मार्टिन मेक हैवी ड्यूटी लेथ मशीन इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन. दिस इज अ मेड इन जर्मनी हैवी ड्यूटी लेथ. करंटली द स्पिंडल आरपीएम इज एट 80 आरपीएम, 80 रोटेशंस पर मिनट. The condition of the bed of this machine is very good. There are no scratches whatsoever. The machine is complete with many accessories, including some boring parts, boring tool. It is also complete with two steadies. This is a made in Germany Martin make machine. The threading charts etc. are clearly visible in this machine. इसमें mm और inches दोनों की threading कर सकते हैं. सबसे पहले फीड ट्रैवल चला दो, जो पूरा कैरेज है उसको फीड में आगे. वी हैव राइट नाउ एंगेज द फीड ट्रैवल ऑफ द कैरेज. द होल कैरेज इज नाउ गोइंग फॉरवर्ड इन फीड. द स्लो फॉरवर्ड ट्रैवल ऑफ द कैरेज कैन बी सीन. ठीक है, जो फीड ट्रैवल अभी आगे की तरफ चल रहा है, इस फीड ट्रैवल को रिवर्स कर दो और पीछे की तरफ ले जाओ. वी हैव राइट नाउ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फीड ट्रैवल. द कैरेज व्हिच वाज अर्लियर गोइंग फॉरवर्ड इज नाउ गोइंग बैकवर्ड इन फीड. ठीक है, ये फीड ट्रैवल अभी कैरेज से हटा के क्रॉस लाइट पे चला दो. फीड ट्रैवल ऑफ द क्रॉस लाइट. हमने अभी ये क्रॉस लाइट पे फीड ट्रैवल चला दी है. ठीक है, अब इसको रिवर्स करना हो तो ठीक है. दिस इज अ वेरी गुड एडवांटेज कि इसमें फीड ट्रैवल को रिवर्स करना हो तो यहीं से हो जाता है. इसके लिए चक के पास आगे नहीं जाना पड़ता एंड इसमें चक को रोकना भी नहीं पड़ता डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए. ठीक है, फिर से ये कैरेज पे लगा दो आगे की तरफ. ठीक है, अभी जो ये फीड के अलग अलग रेट हैं, जिस स्पीड से ये कैरेज चल रहा है फीड में, वो दिखा दो अलग अलग रेट्स. Different feed rates of travel. We have right now reduced the speed of the feed travel. कम करी अभी हमने. हम देख सकते हैं कि जिस स्पीड से ये शाफ्ट रोटेट कर रही है वो अभी एकदम स्लो हो गया है. ठीक है, कोई और different feed rates यहाँ से चेंज होते हैं. लगाओ लगाओ, एंगेज करो. ठीक है, अभी हमने थोड़ा तेज कर दिया शाफ्ट को. कोई और. ठीक है, ये फीड का रेट और इंक्रीज हो गया. और ठीक है, ये फीड का रेट को अभी और इंक्रीज कर दिया. ठीक है, और दिखा दो, ये 1:1 वाला ही दिखा दो. ठीक है, ये स्लो हो गई. फिर से फास्ट. ठीक है, ये फास्ट हो गया. और फास्ट करना तो यहां से दिखा दो, इस वाले से दिखा दो. अभी रोक लो, रोक के दिखा दो. वी आर नाउ फर्दर इंक्रीजिंग द फीड रेट ऑफ ट्रैवल. चक को अभी रोक के हम फीड के रेट का गियर चेंज करके और तेज कर रहे हैं अभी फीड का रेट. ठीक है, अभी हमने फीड के रेट को और तेज कर दिया. वी कैन क्लियरली सी दैट द फीड रेट हैज इंक्रीज्ड.
जो ये 11 अभी पीछे जा रहे हैं इसको आगे भेजो, फीड की डायरेक्शन रिवर्स कर दो, फिर से आगे की तरफ कर दो। ठीक है, ये अभी आगे की तरफ कर दिया। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट फीड रेट्स ऑफ ट्रैवल। अभी इस पे फीड से हटा के थ्रेडिंग चला दो, वर्किंग ऑफ द लीड स्क्रू फॉर थ्रेडिंग पर्पजेस। हमने इस मशीन की अभी फीड की शाफ्ट को रोक दिया है और लीड स्क्रू के रोटेशन को ऑन कर दिया है। अभी जो कैरेज है वो इसके लीड स्क्रू के साथ ही माउंटेड है एंड पूरा कैरेज अभी पीछे की तरफ थ्रेडिंग करता हुआ जा रहा है। द मूवमेंट ऑफ द कैरेज कैन बी सीन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी हो तो डायरेक्शन रिवर्स कर दो। जो पूरा कैरेज अभी पीछे करता जा रहा है, थ्रेडिंग करता है, वो आगे ले आओ। ठीक है, वी हैव रिवर्स द डायरेक्शन। जो कैरेज पहले पीछे जा रहा था वो अभी थ्रेडिंग करता हुआ आगे जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द लीड स्क्रू फॉर थ्रेडिंग ऑपरेशंस। डिफरेंट स्पिंडल स्पीड्स। राइट नाउ द चक इज रोटेटिंग एट इट्स मिनिमम स्पीड ऑफ 14 RPM, 14 रोटेशंस पर मिनट। ठीक है, अभी 40 दिखाओ, 40। वी आर राइट नाउ इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द चक रोटेशन एंड नाउ विल बी शोइंग 40 रोटेशंस पर मिनट। करंट स्पिंडल स्पीड 40 RPM, 40 रोटेशंस पर मिनट। ठीक है, और तेज कर दो, अभी 100 के आसपास कोई दिखा दो, 112, 120 ऐसे कुछ जो भी हो वो दिखा दो। 112 है। चला दो। करंट स्पिंडल स्पीड 112 रोटेशंस पर मिनट, 112 रोटेशंस पर मिनट। और तेज, कोई 250 के आसपास। करंट स्पिंडल स्पीड 224 रोटेशंस पर मिनट। देयर इज नो नॉइस एट ऑल इन दी गियर बॉक्स इवन एट सच अ हाई स्पीड फॉर सच ए हेवी ड्यूटी एंड लॉन्ग लेंथ मशीन। अभी जो भी मैक्सिमम RPM है वो दिखा दो। मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड 630 RPM इवन एट अ स्पीड ऑफ 630 रोटेशंस पर मिनट फॉर सच अ हेवी ड्यूटी मशीन। देयर इज नो नॉइस एट ऑल in the spindle or in the gearbox of this machine. It is in excellent condition. It is a made in Germany Martin make all geared gap bed type lathe machine complete with its tooth teddy and other accessories. The machine is in overall excellent working condition and all the features are working perfectly fine.